हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवशंकर शर्मा। माय यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सर्कल का इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा कि सर्कल्स के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाएं। आज जो भी मेथड होगा सर्कल का, मैं उसको बहुत ही बिल्कुल ईजी वे में समझाऊंगा। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप अपनी राय भी दे सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सर्कल्स। तो देखिए भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, सर्कल का इंट्रोडक्शन। आज हम सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में ही ज्यादातर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। देखिए, सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन ये, इस सर्कल इज ए कलेक्शन। एक सर्कल क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का, इन ए प्लेन, एक प्लेन के ऊपर, विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मान लो ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हमने एक बना दिया सर्कल, ठीक है। अभी बोल रहे हैं सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, किसमें? इन ए प्लेन। ये एक प्लेन हो गया, इस प्लेन में सभी इस प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन। द सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और जो फिक्स डिस्टेंस पे हो, ये हो गया हमारा सेंटर। तो सेंटर से फिक्स डिस्टेंस होती है रेडियस की, हमेशा कहीं पर भी देखो तो सेंटर से हमेशा क्या रहेगा? फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, ये हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लान विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। और वो फिक्स पॉइंट क्या है हमारा? वो फिक्स पॉइंट है हमारा सेंटर, ठीक है भाई। सर्कल एक इस तरह के पॉइंट का कलेक्शन हो गया, जितने भी पॉइंट बनाओ, लेकिन एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट यानी सेंटर, उससे फिक्स दूरी पे होंगे। तो इससे फिक्स दूरी पे सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का कलेक्शन सर्कल होता है, बाकी एक भी पॉइंट इससे आगे पीछे नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट है तो इससे फिक्स डिस्टेंस नहीं बनेगी और ना ये सर्कल बनेगा। तो इससे फिक्स डिस्टेंस में, मान लो ये 5 रेडियस, तो 5 रेडियस पे चार और जितने भी इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है वो मिलकर सारे एक सर्कल फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, वो फिक्स पॉइंट ये सेंटर हो गया। द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, ये हमारी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कोर्ड के बारे में। हम एक सर्कल और बना लेते हैं, ये सर्कल बना लिया, ठीक है। सर्कल के अंदर जैसे हम ये बना देते हैं, ये सारे हर जगह हो सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी बना सकते हैं हम इसको। ये सारे क्या होते हैं? कोर्ड्स। ये हमने एक कोर्ड बना लिया, ठीक है। जो सबसे बड़ा कोर्ड होता है, सबसे बड़ा कोड वो डायमीटर होता है हमारा, ठीक है। सबसे बड़ा कोड क्या होता है? डायमीटर। अब जो ये कोड एरिया बनाता है, ठीक है, ये सेगमेंट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये हो गया हमारा मेजर माइनर सेगमेंट और इस साइड का हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, ये हो गया हमारा कोड, CHORD कोड हो गया। ये हमारा कोड हो गया, ये हमारा हो गया क्या? हो गया हमारा माइनर सेगमेंट और ये क्या हो गया? मेजर सेगमेंट, ठीक है। फिर हम ये एक पॉइंट से ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी आर्क, यहां से लेकर के ये वाली, इसको क्या बोलते हैं हम? आर्क। आर्क कौन सी होगी? ये वाली, ये यहां से यहां तक बस। और आर्क के साथ सेंटर के साथ, ये सेंटर से 2 रेडियस हो गई हमारी, ठीक है। ये जो एरिया बनता है, ये जो एरिया बनता है, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। इसको सेक्टर बोलते हैं और इसको क्या बोल रहे थे? सेगमेंट। इस एरिया को सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट और बाकी बचा हुआ मेजर सेगमेंट। इस तरह से ये सेक्टर, अगर छोटा है तो माइनर सेक्टर और पूरा बाकी बचा हुआ है जो मेजर सेक्टर, ऐसा। तो ये हमारा कोर्ड हो गया, ये पूरा, इस पे कहीं पर भी हम डिस्टेंस लेते हैं उसको आर्क बोलते हैं। ये रेडियस हो गई और हाइएस्ट डिस्टेंस क्या होती है हमारी? डायमीटर, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं सीकेंट और टेंजेंट। सीकेंट और टेंजेंट क्या होता है भाई? देखिए, सीकेंट, सेकेंट होता है ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। मान लो कोई भी सर्कल बना दिया हमने, ये बना दिया सर्कल, अब एक लाइन है इसको 2 पॉइंट पे काटती है, तो ये हमारा हो गया सीकेंट। अब कहीं पर भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, 2 पॉइंट पे काटेगी, यानी कोई भी लाइन फॉर्म की जाए और जो 2 पॉइंट पे काटती है वो सीकेंट होता है, ठीक है। एक्चुअली सर्कल के लिए हम 3 लाइनें बना सकते हैं, 3 तरह से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट देखो, ये हमारा सर्कल हो गया और ये हो गई हमारी लाइन, एक तो ये हो गया एक फॉर्म, सर्कल और लाइन में कोई कांटेक्ट नहीं। दूसरा ये सर्कल हो गया और ये हो गई लाइन, ठीक है, यानी अंदर से काट रही है।
और ये हो गया हमारा सर्कल और एक हो गई ये लाइन, ठीक है। तीन कंडीशंस हो गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन कंडीशंस हो गई, ठीक है। इन तीन कंडीशंस में देखिए, ये इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इस लाइन में और इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, और इसमें दो पॉइंट कॉमन है। ये दो पॉइंट कॉमन है तो ये क्या हो गया, सीकेंट, सीकेंट हो गया। सीकेंट में हमेशा दो पॉइंट कॉमन होगी, और अगर एक पॉइंट कॉमन है, ये सिर्फ टच करके निकल गई, टच करके निकल गई तो एक पॉइंट कॉमन हो गया, एक पॉइंट कॉमन है तो टेंजेंट है। तो ये हमारा सीकेंट है, ये टेंजेंट है। सीकेंट में दो पॉइंट कॉमन होते हैं और टेंजेंट में एक पॉइंट कॉमन होता है, ठीक है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। ऐसे अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे काटे तो वो हमारी होगी टेंजेंट, ठीक है। फिर थ्योरम्स देखिए, ये तीन बेसिक थ्योरम है जिन्हें हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम इनका थोड़ा मतलब समझ लेना चाहिए बस, ठीक है। द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ऑफ ए सर्कल, सर्कल पे इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हो गया, अभी क्या बोल रहा है, ये हो गया हमारा टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा हो गया, ये जहां पे टच कर रहा है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, और ये सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल के सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इस थ्योरम में ये प्रूव करना है जो हम करेंगे बाद में। द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट हो गया, ये परपेंडिकुलर बनाएगा किसके साथ, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस के साथ, कहां पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिस पॉइंट पे वो टच करता है वहां पे, ठीक है। फिर सेकंड थ्योरम में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, बोल रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, ये हमारा हो गया टेंजेंट, ठीक है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट हमने बनाया, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, वो क्या होगा, इक्वल होगा, मान लो इस पॉइंट से हमने ये बनाया एक टेंजेंट और एक इधर बना दिया, तो इससे दो टेंजेंट बन गए, तो इसकी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, यानी ये दो टेंजेंट हो गए, इनकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। फिर थर्ड थ्योरम में, थर्ड थ्योरम में क्या बोल रहा है, इफ टू टेंजेंट आर ड्रा टू ए सर्कल, अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं, जैसे ये किया गया, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन तब दो कंडीशन होती है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, वो दोनों इक्वल एंगल बनाते हैं किसके साथ, सेंटर के साथ, ये दोनों हो रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और दे आर इक्वली इंक्लूडेड टू द सेगमेंट, और वो दोनों मिलकर एक सेगमेंट बनाते हैं, ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पे सेंटर को ज्वाइन करते हैं थर्ड थ्योरम में, तो इसकी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कैसे, ये बोल रहा है दे सबटेंड इक्वल एंगल टू द सेंटर, भाई सेंटर के साथ क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल, तो ये हो गया हमारा, देखिए ये हो गया हमारा सेंटर, और ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला, ये प्रूव करना है हमें फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, क्या करना है कि भाई वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे। दूसरा, दे आर इक्वली इंक्लूडेड टू द सेगमेंट, और इक्वली इंक्लूडेड करेंगे अगर सेगमेंट के साथ, तो ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, जो पॉइंट सेंटर कर रहा है, तो यानी ये वाले एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये दो कंडीशन हमें प्रूव करनी है, यानी फर्स्ट में क्या करना है, प्रूव पी ओ ए इक्वल है एंगल, पी ओ ए इक्वल है एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू फर्स्ट कंडीशन में ये प्रूव करना है, और सेकंड में क्या करना है, पी ए ओ, पी ए ओ इक्वल है एंगल क्यू ए ओ को, इक्वल एंगल क्यू ए ओ, ये दो कंडीशंस थर्ड इक्वेशन में प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसके साथ मैं आपको कुछ पॉइंट और बताता हूं बेसिक। जैसे टेंजेंट वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड मींस टू टच, टेंजेंट जो वर्ड है वो कहां का है, लेटिन भाषा का है, जिसका मतलब क्या होता है, टू टच, यानी टच करना किसी चीज को, ठीक है। फिर बोल रहे टेंजेंट इज लाइन दैट कॉन्टेक्ट एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, भाई ये सर्कल हो गया, इसके किसी भी पॉइंट पे टच करेगा अगर टेंजेंट, तो वो एक ही पॉइंट होगा कॉन्टेक्ट का, आर्क ऑफ ए सर्कल ओनली वन पॉइंट, यानी टेंजेंट सिर्फ एक ही जगह से टच करता है सर्कल को, ठीक है। और इनफाइनाइट टेंजेंट हम बना सकते हैं सर्कल पे, कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हैं, और एक बार में सिर्फ दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं, अगर हम इधर से क्रॉसिंग लाइन बनाते जा रहे हैं तो दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे, किसी भी साइड से आप बनाते जाओ तो एक बार में सिर्फ दो ही टेंजेंट पैरेलल होंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड टू सर्कल, अगर हम सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट लेते हैं आउटसाइड ऑफ ए सर्कल, टू एंड ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रा टू इट, बोला सिर्फ इससे दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, ये दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बोला टेंजेंट टू टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के टेंजेंट,
अब देखो भाई, दो सर्कल्स के अगर टेंजेंट होते हैं तो कितने पॉसिबल वेज होते हैं। जैसे सपोज करो अगर दोनों सर्कल दूर दूर हैं, ठीक है, दोनों सर्कल दूर दूर हैं तो एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। फिर दूसरा वे अगर एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, ठीक है। फिर अगर दो सर्कल आपस में टच करते हो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, मान लो ये टच कर रहे हैं तो तीन पॉसिबल वे हो गए, थ्री पॉसिबल वेज, एक दो एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, वी हैव थ्री पॉसिबल वेज टू शो द टेंजेंट, ठीक है। फिर अगर दो कोइंसाइड सर्कल हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये, ठीक है, लेकिन इस तरह से हो, ठीक है, यानी वो टच कर रहे हैं आपस में, तो ये एक टेंजेंट हो जाएगा कॉमन, ठीक है। फिर अगर दो सर्कल कट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो भी दो पॉसिबल वे हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। सिर्फ सर्कल के अंदर अगर सर्कल होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, तब ये आपस में टच नहीं करते, ठीक है। इस तरह का सर्कल होता हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के हो तो हम एक भी टेंजेंट कॉमन नहीं बना सकते, ठीक है। ये हमारे वे थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके थ्योरम्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे जो एनसीईआरटी से अलग होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और यूजफुल होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।